नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं या फिर सिंगल के लिए, सिंगल्स के लिए ये रीडिंग होगी क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 3 से लेकर 9 नवम्बर तक की। 3 से लेकर 9 नवम्बर तक की जो वक्त है इसमें आप खुद को इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आप सन साइन मून साइन से जेमिनाई हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं इन दिनों आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। जेमिनाई वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आप अपने लाइफ को एक नए सत्य में ले जाने के बारे में सोचोगे। आप घूमना फिरना पसंद करोगे, आप अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, कहीं जाना, और जिस तरीके से आप अपने लाइफ को गुजर रहे थे, चला रहे थे, आप अपने लाइफ की जो स्टाइल है उसको आप बदल दोगे। आपको लगेगा नहीं, ये घिसी पिटी जो सर्कल है उसको ख़त्म किया जाए और अपने बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करो। आप अपने लाइफ के जो मैंने कहा कि जो स्टाइल था, दुनिया बदल देना जिसे कहते हैं, आप अपनी दुनिया ही बदल दोगे। आपको लगेगा जो चल रहा था वो सही नहीं था, अभी जो करूँगी या मैं कर सकता हूँ वही सही है, इस तरीके की थॉट आपका रहेगा। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। पास्ट की जेमिनाई, पास्ट की आपकी एनर्जी, जजमेंट का कार्ड है। पास्ट में आप किसी पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे, भगवान से दुआएं मांग रहे थे, उनको गुहार लगा रहे थे कि आपको वो पुराने रिश्ते मिल जाए जिसमें हो सकता है आपके बच्चे भी हो, आपके परिवार हैं जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, आप परेशान हो, जो आपके दिल की करीब है और जो रिश्ता आपके आप से चला गया है, ख़त्म हो गया है। अगर मैं कहूँ आपकी नज़र में, उनके नज़र में ये रिश्ता ख़त्म है, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से आप उसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे। पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी थी और आप भगवान से भी यही मांग रहे थे कि आपको वो पुराना रिश्ता दोबारा से मिल जाए जो आपकी नज़र में ख़त्म, जो उनके नज़र में ख़त्म। लेकिन नज़र में ख़त्म होने से क्या होगा, दिल में आपके वही रिश्ते अभी भी है। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसा है। द मैजिशियन का कार्ड, प्रेजेंट में भी आप खुद को एक मैजिशियन की तरह प्रेजेंट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके पास वो टूल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, आपको पता है कौन सी चीज़ कैसी करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है या फिर खेलना चाहता है, लेकिन फिर भी आपको पता है किस तरीके से इस परेशानी से बाहर निकला जाए। तो आप उस तरीके को आप बाखूबी समझ रहे हो और आपके लिए ये जो प्रेजेंट जो स्थिति है, आपके लिए जैसे कि कोई कर गुजरने की एक स्थिति आप में है। आप जैसे जो चाहो वो कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, ऐसा आप समझ रहे हो। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने जितना मेहनत किया है उसके परिणाम ऑलमाइटी ने, भगवान ने आपको वो पावर दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी करने का जो आप चाहो, जो आपके लिए सही है। अभी देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। यस, इट्स अ वेरी बिग यस, आपके लाइफ में पास्ट से कोई आने की चांसेस है। वही बंदा या बंदी आ सकता है जो अपने दम पे खुद को तैयार किया है, खड़ा किया है, जो चाहते हैं अपने बारे में सोचना, जो हमेशा जब से आपके साथ रिश्ता हुआ था ये बंदा या बंदी हमेशा अपने बारे में सोचती थी, मतलब खुद की स्टेबिलिटी पाना, खुद को सही रखना, अपने खाना पीना रहन सहन सारा बात जो है सिर्फ अपने बारे में सोचना, इसको मैं सेल्फिश भी नहीं कह सकती
और उस तरीके से भी नहीं कह सकती कि अपने लिए सोचना गलत है, लेकिन ये पर्सन जो है रिश्ते में कभी भी किसी और के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, जब भी सोचा है अपने बारे में सोचा है। हाँ, वही कोई आपके लाइफ में आ सकता है, हो सकता है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बंदा या बंदी भी ऐसी होगी, तो उनके आने के चांसेस तो है। अभी देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। चैरियट के कार्ड, नया कोई आ सकता है या नहीं सकता है इसका 50-50 चांसेस है। अगर पुराने ही लोग आपके लाइफ में नई तरीके से आते हैं तो आपको तो नए रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नए आने के एकदम से चांस नहीं है ये मैं नहीं कहूँगी। कोई आपके साथ दोस्ती करने आ सकता है, आपके साथ बात करने आ सकता है, जस्ट एक दोस्ती भरा रिश्ता। लेकिन मुझे ज़्यादातर लग रहा है जो भी आएगा कोई पुराना रिश्तेदार, मतलब पुराने रिश्ते में रहने वाला बंदा या बंदी ही आएगा, क्योंकि नए जिनके साथ आप रिश्ते में जाना भी चाहो तो भी आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि पुराना जो एहसास है वो आपको छोड़ ही नहीं रहा है, इन दिनों तो खास करके नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो भी बंदा या बंदी आपके लाइफ में नया आएंगे ना, उनको अच्छे बुरे की समझ होगी, वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो पर्सन होंगे, उनमें एंग एंड यंग दोनों की एनर्जी होगी, वो एक बैलेंस बंदा या बंदी होगी जो आपके लाइफ में। अगर कोई नया आ रहा है, कोई हरे गहरे बंदा या बंदी नहीं आएगा, जो भी आएगा जिसकी भी लाइफ में आएगा आप देखिएगा वो एक बैलेंस बंदा या बंदी होगी, जिन्हें हर चीज़ की समझ है, जो बेकार की बातें बेकार की चीज़ें परेशान करने वाली चीज़ों में नहीं रहता है, वो स्पिरिचुअल है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी भी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपको पुराने रिश्ते चाहिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका रिकाउंसिलेशन हो जाए, वो पुराने दिन वापस आ जाए, तो आप पॉजिटिवली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपका अपना माइंडसेट सही होना चाहिए। और हो सकता है कि यही आपका मोटो है, यही आपका गोल है, तब भी आप जब आपका वो रिश्ता दोबारा से मिल जाएगा, आपका जो इमोशन है वो पूरा हो जाएगा और आपके लाइफ में एक नया सर्कल शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको जो पुराने गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और आप जो पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको ही मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अगर अब नया भी आ जाए पुराना भी आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप पुराने को जो मैनिफेस्ट किए जा रहे हो उसको ही मैनिफेस्ट करो, और जो मैनिफेस्ट अब कर रहे हो सकता है वो आपको भगवान दे दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।